दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना, पाठ तीन का प्रश्नावली 3.6 शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है, पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए, ठीक ना। तो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला भाग, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। और इसके बाद दूसरा लिखा है, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो इसको पहले ना रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है इसको। तो इसको मानते हैं, यहां लिख लेते हैं, माना 1/x बराबर u एवं 1/y बराबर v, ठीक ना। तो देखिए 1/x है, यहाँ भी 1/y है, यहाँ 1/x 1/y है। तो जब 1/x के स्थान पर देखिए ये रखा है, जैसे एक बार एग्जांपल में देखते, देखिए ये 1/x ये पूरा है ना, तो इसके स्थान पर देखिए इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, जैसे इसको रहने देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने, ये लिखा है 1/2x, ठीक ना। अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 लिखा हुआ है, ठीक ना। इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1/2 × 1/x प्लस 1/3 × 1/y, ठीक ना। इस समीकरण को हमने देखिए इसी को लिखा है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं और इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए 1/x को हमने क्या माना है, u, तो हम लिख सकते हैं 1/2 × u प्लस 1/3 × v बराबर 2, ठीक ना। तो अब जब इसको हल करेंगे तो आएगा u/2 प्लस v/3 बराबर 2, ठीक ना। तो इसके स्थान पर देखिए क्या आया, u/2 प्लस v/3 आया। तो हम इसके स्थान पर अब इसको लिख लेते हैं, तो देखिए u/2 प्लस v/3 बराबर ये 2 हो गया, ठीक ना। तो अब इसको थोड़ा भिन्न में लिखा है, इसको सरल कर लेंगे, तो इसका लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे देखिए, इसका गुणा इसमें करते हैं 3u प्लस इसका गुणा इसमें करते हैं 2v बराबर 2 × 3 = 6 बराबर 2, ठीक ना। तो अब इसका तिरे गुणा कर लेंगे, तो तिरे गुणा करने पर इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो एक गुणा करते हैं तो ये आएगा 3u प्लस 2v बराबर 6 × 12, तो ये समीकरण 1 आ गया, ठीक ना। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं u/3 प्लस v/2, ठीक ना। इसी तरह करेंगे तो ये भी आ जाएगा, तो ये हो गया 13/6। तो इसका भी लघुत्तम ले लेंगे, तो तिरे ऐसे तीसरा तीसरा गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2u प्लस 3v/3 × 6 बराबर 13/6। अब देखिए इन दोनों के हरों में 6-6 है, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 2u प्लस 3v बराबर 13। तो समीकरण ये 2 प्राप्त हुआ। इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए एक साथ लिख लेते हैं इसको पहले, ठीक ना, अच्छे समझ में आ जाएगा। 3u प्लस 2v बराबर 12, समीकरण 1। और समीकरण 2 लिख लेते हैं यहाँ पर, 2u प्लस 3v बराबर 13, समीकरण 2। तो देखिए हम चाहे इसके अगर इसको विलोपन विधि से हल करें, तो चाहे हम u के गुणांक को बराबर कर लें, चाहे v के गुणांक को बराबर कर लें, तो हम इसमें u के गुणांक को बराबर करेंगे, तो उसको करने के लिए यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे, और यहाँ 2 है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से एवं
समीकरण दो को तीन से गुणा करने पर, ठीक ना, तो गुणा करेंगे तो देखिए दो का गुणा पहले करेंगे तो तीनों पदों में गुणा होगा, तो तीन दुनी छः यू, दो दुनी चार वी, बारह दुनी चौबीस, ठीक ना, समीकरण तीन हो गया। इसी प्रकार इसमें तीन का गुणा करेंगे तो तीन दुनी छः, तीन त्रिकाई नौ और तेरह त्याई उनतालीस, समीकरण ये चार हो गया। अब समीकरण तीन में को तीन में से समीकरण चार को घटाते हैं, क्या लिखेंगे, घटाने पर, तो घटाने पर आएगा तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस माइनस माइनस, तो छः यू में छः यू कैंसिल हो गया, ये हो गया फोर माइनस नाइन, ठीक ना, फोर माइनस नाइन, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है तो ये हो जाएगा माइनस फाइव, तो लिखेंगे माइनस फाइव भी बराबर, अब इसको घटा लेते हैं तो 24 ये आया, 9 में 4 गया 5, 3 ये 15 आ गया और माइनस में, ठीक ना, 24 में से 39 घटा रहे हैं तो माइनस में आएगा, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया v बराबर 15/5, तो इस प्रकार 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो देखिए v का मान आ गया 3। अब इस v के मान को समीकरण एक में रख देंगे तो u का मान ज्ञात हो जाएगा, तो लिखते हैं v का मान समीकरण एक में रखने पर, तो देखिए एक में रखते हैं यहां पर, तो इस समीकरण को लिख लेते हैं पहले 3u प्लस 2v बराबर 12, तो v का मान यहां रख देंगे 3, तो लिखते हैं 3u प्लस 2 × 3 बराबर 12, तो ये आया 3u प्लस 6 बराबर 12, 3u बराबर 12 माइनस 6, तो ये हो गया 12 में 6 गया 6, तो u बराबर 6/3, 3 × 3 = 6, तो इस प्रकार u का मान 2 आ गया, ठीक ना। अब हमने क्या माना था, ये देखिए 1/x बराबर u माना था, 1/y बराबर v माना था, तो अब इस पर ये मान रखेंगे हम लोग, तो देखिए यही लिख देते हैं इसको, ठीक ना, तो लिखते हैं अब, ठीक ना, इसको आप नीचे लिखिएगा, अब 1/x बराबर u एवं 1/y बराबर v, तो u का मान यहाँ रख देंगे तो लिखते हैं 1/x बराबर 2, ठीक ना, इसके बटे कुछ नहीं 1 लिख लेंगे, और 1/y बराबर v का मान 3 आया है तो 3 लिख देते हैं, ठीक ना, इसके बटे 1 करके तिरे गुणा कर लेंगे, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ये आया 2x बराबर 1 × 1 और x बराबर 1/2, इसी प्रकार इसको करेंगे तो जाएगा 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3, तो इस प्रकार x और y का मान ज्ञात हो गया, x का मान 1/2, y का मान 1/3, तेरा पहला भाग। अब दूसरा भाग देखते हैं, तो दूसरे भाग में लिखा है 2/(x) प्लस 3/(y) बराबर 2, और दूसरा लिखा है समीकरण 4/(x) माइनस 9/(y) बराबर -1, तो इसको लिख लेते हैं, माना देखिए 1/(x) लिखा है, लिखेंगे 1/(x) बराबर u एवं 1/(y) बराबर v, ठीक ना, यहाँ पर u भी लिया है, आप a और b भी ले सकते हैं, तो देखिए 1/(x) इसको देखिए ऐसे लिखा हुआ है 2/(x) प्लस 3/(y) बराबर, ये 2 लिखा है, तो इसमें इसको ऐसे लिख लें 2 × 1/(x) लिख सकते हैं और 3 × 1/(y) बराबर 2, ठीक ना, इसको हल करेंगे तो वापस आ जाएगा। देखिए 1/(x) को u माना है, ठीक ना, तो यहाँ पर हम अगर u लिख दें प्लस
और यहाँ पर इसके बटे पूरा वी ले लें तो ये समीकरण मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये समीकरण हो जाएंगे। देखिए ये लिखेंगे 2u प्लस 3v बराबर 2, इसी प्रकार ये वाला हो जाएगा तो हो जाएगा 4u माइनस 9v बराबर माइनस 1, इस प्रकार ये समीकरण आया। ठीक है, देखिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण के युग्म में बदल दिया हमने। अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए अगर इसके गुणांक को देखिए, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, अगर इनको हम बराबर करना चाहें तो अगर समीकरण 2-1 में केवल 2 का ही गुणा कर दें, ठीक ना, समीकरण 1 में 2 का ही गुणा कर दें तो 2 × 4 हो जाएगा, तो 4u 4u, तो u के गुणांक तो बराबर हो गए, तो हम चाहे इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। और अगर v के गुणांक को बराबर करना हो तो देखिए यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, तो हम चाहें तो यहाँ पे समीकरण इसमें 3 का गुणा कर दें, तो देखिए 3 × 9 और ये 9, तो v का गुणांक बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें देखते हैं हम इसमें u के गुणांक को ही बराबर कर लेते हैं, तो लिखते हैं इसमें देखिए कितना करेंगे, 2 गुणा करेंगे, तो लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक ना, तो 2 गुणा करेंगे तो प्रत्येक पद में गुणा हो जाएगा, तो 2 × 4u 3 × 6v और 2 × 4, ये हो गया समीकरण 3। और ये वाला ऐसे ही लिख देंगे, इसको कोई गुणा नहीं किए हैं, 4u माइनस 9v बराबर माइनस 1, ये हो गया समीकरण 2 ही लिखा हुआ है। अब समीकरण 3 में से 2 को घटा देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर, तो घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो गया, 4u माइनस 4u ये कैंसिल, 6 और प्लस 9 हो गया, ठीक ना, ये माइनस 9 नहीं रह गया, तो ये हो गया 6 और 9 जोड़ेंगे तो 6 9 जोड़ेंगे तो 15, और 4 और 1 + 1 है ये, तो ये 5 हो गया, ठीक ना, तो ये हो गया v बराबर 5/15, तो 5 × 5 = 15, इस प्रकार v बराबर 1/3 प्राप्त हुआ। अब इस v का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो u का मान ज्ञात हो जाएगा, तो लिखते हैं इसमें v का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, तो समीकरण ये रहा 1, तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे 2u प्लस 3v बराबर 2, तो 2u प्लस 3 और v का मान कितना आया है, 1/3 आया है, तो यहाँ लिख देते हैं 1/3 बराबर 2, देखिए 3 × 3 = 3 कट गया, तो ये आया 2u + 1 बराबर 2। अब एक को पक्षांतर कर देंगे दाई तरफ, तो ये आएगा 2u बराबर 2 - 1, तो ये हो गया 2 में से गया 1, तो u बराबर 1/2 प्राप्त हुआ, तो u और v का मान आ गया। अब जो हमने माना था यहाँ पर रख देंगे, तो लिखते हैं अब 1/x बराबर u एवं 1/y बराबर v, ठीक ना, तो u v का मान रख देते हैं यहाँ पर, लिखते हैं 1/x बराबर u का मान 1/2 आया है और 1/y बराबर 1/3, ठीक ना, v का मान 1/3 आया है। अब ये करणी हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, 1/x का वर्ग बराबर 1/2 का वर्ग, इसी प्रकार इसमें भी कर लेंगे, 1/y का वर्ग बराबर 1/3 का वर्ग, ठीक ना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो देखिए वर्ग करेंगे तो कर्णी भर हट जाएगा, तो आएगा 1/x बराबर 1/4, ठीक ना, अगर चाहे तो तिरे गुणा करिए, चाहे दोनों को पलट दीजिए, तो 1/x है तो x/1 = 4/1,
तो बटे एक बटे एक लिखने जरूरत नहीं, तो इस प्रकार यक्स का मान 4 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसको भी 1 बटे वाई बराबर 1 बटे 9, 3 का वर्ग 9 हो गया। तो दोनों को पलट देंगे, 1 बटे वाई बराबर 1 बटे 9 है तो जाएगा वाई बराबर 9, ठीक ना। इस प्रकार यक्स और वाई का मान ज्ञात हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, तीसरा भाग इसमें क्या है, तो इसमें लिखा है 4 बटे यक्स प्लस 3 वाई बराबर 14 और 3 बटे यक्स माइनस 4 वाई बराबर 23, ठीक ना। तो इसको भी हल करते हैं। देखिए ये 1 बटे यक्स है, यहाँ वाई सही मतलब 1 बटे वाई में नहीं है, तो y को कुछ ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की, बस 1 बटे x है, इसको हम u मान लेते हैं। लिखेंगे माना 1 बटे x बराबर u, ठीक ना, और इसको बस लिखते हैं y बराबर v, ठीक ना। इसको 1 बटे y मानने की जरूरत नहीं है, वो सही जगह पर है। तो अब लिखते हैं इसको, देखिए 1 बटे x बराबर u है तो हो जाएगा 4ax, तो हो जाएगा 4u प्लस 3v बराबर 14, तो समीकरण 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार ये हो जाएगा 3u माइनस 4v बराबर 23, तो समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें गुणांक को बराबर करना है, तो u के गुणांक को अगर बराबर करें तो यहाँ 3 है, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे, और इसमें 4 है तो समीकरण 2 में 4 का गुणा करेंगे। तो इसको लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से एवं समीकरण 2 में 3 से, समीकरण 2 में 4 से, ठीक ना, 4 से गुणा करने पर, तो गुणा करते हैं, देखिए इसमें 3 का गुणा करना है और इसमें 4 का गुणा करना है, तो इसमें होगा 4 तिहाई 12x u और 3 त्रिकाई 9v बराबर 14 तिहाई 42, समीकरण 3 आ गया। इसी प्रकार जब इसमें 4 गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12u माइनस 4 चौक 16v बराबर 23 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 तिहाई 12 हासिल 1, 4 दुनिया 8 एक 9, ठीक ना, तो ये हो गया 92। अब इसको घटा लेते हैं, देखिए ये हो गया समीकरण 4। अब 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे तो लिखते हैं घटाने पर, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस 12u में माइनस 12u कैंसिल, ये 9 और प्लस 16 हो गया, ठीक ना, माइनस 16 नहीं, 9 प्लस 16, तो ये हो गया 25v बराबर, अब 92 में 42 हटाते हैं तो ये हो गया 50, और छोटे संख्या से बड़ी संख्या घटा है तो ये माइनस में प्राप्त होगा, तो ये आ गया v बराबर माइनस 50/25, ठीक ना, 25 पक्षांतर कर दिया तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 बराबर वी बराबर माइनस 2 प्राप्त हुआ। अब वी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखते हैं वी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, तो 1 ये रहा समीकरण, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 4u प्लस 3v बराबर 14, तो ये हो गया 4u प्लस 3 और v का मान कितना प्राप्त हुआ है माइनस 2, तो माइनस 2 बराबर 14, तो ये हो गया 4u 3 दुनी 6, ठीक ना, अब माइनस 6 है पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 14 प्लस 6, तो इनको जोड़ लेते हैं तो 14 6 20 और u बराबर 20/4, तो ये कट के आएगा 4 एकम 4 पंचे 20, तो इस प्रकार u और v का मान ज्ञात हो गया। अब इसमें यहाँ रख देंगे तो लिखते हैं अब 1/x बराबर u एवं 1/ ये y है केवल,
वाई बराबर वी ए, तो एक बटे एक्स बराबर यू का मान कितना आया, ये 5 आया, और वी का मान कितना आया -2, तो बराबर -2। और इसका हल करेंगे, देखिए इसका दोनों को उलट दीजिए, ये एक बटे एक्स है तो एक्स जाएगा, मतलब एक्स बटे एक, तो ये 1/5, या इसका तिरे गुणा करेंगे तो देखिए तिरे गुणा कर देते हैं, तिरे गुणा इसका आ गया तो 5x बराबर 1 + 1, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, 1 आया, एक्स बराबर 1/5 प्राप्त हुआ। अतः एक्स बराबर 1/5 और वाई बराबर -2, तो देखिए ये हो गया। अब प्रश्न नंबर चौथा भाग देखते हैं इसमें, तो देखिए चौथे भाग में लिखा है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। इसी प्रकार ये लिखा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 1/x-1 देखिए दोनों में है तो इसको लिख लेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे माना 1/x-1 बराबर u एवं, देखिए 1/y-2 लिखा है, लिखेंगे 1/y-2 बराबर v, ठीक ना। तो ये लिखा 1/x-1 बराबर u है तो इसको जाएगा, ये हो जाएगा 5u, और इसी प्रकार ये पूरा ये v लगा है तो इसके बराबर v है तो इसके स्थान पर v लिख देते हैं, तो v बराबर 2। इस प्रकार समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब इसमें देखिए 6u-3v बराबर 1, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। विलोपन विधि से इसको हल करना है तो आप चाहे इस u के गुणांक को बराबर करिए, तो यहाँ 6 गुणा करेंगे और यहाँ 5 है तो इसमें 5 का गुणा करेंगे, और इसमें देखिए v वाले में अगर यहाँ 3 है तो अगर मैं यहाँ केवल समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दूँ तो v का गुणांक बराबर हो जाएगा, तो ये इजी पड़ेगा, इसलिए हम इस बार v के गुणांक को बराबर कर रहे हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक ना, केवल 3 से गुणा कर देंगे इसमें, तो देखिए 3 से गुणा करना है तो प्रत्येक पद में 3 का गुणा हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15 प्लस 3v 3 × 6, तो समीकरण 3 बन गया। और ये वाला समीकरण में कोई गुणा नहीं करना है तो इसको ऐसे नोट कर देते हैं बस, 6u-3v बराबर 1, समीकरण ये 2 हो गए, ठीक ना। अब देखिए इसमें घटाने पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं तो देखिए 3 - फिर एक माइनस है तो ये प्लस, ये अंक जुड़ने लग जाएगा, ठीक ना। हमको बस देखिए प्लस 3y में अगर -3y को अगर घटाएं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक ना, तो इसको केवल जोड़ने पर लिखेंगे, घटाने पर नहीं लिखेंगे, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे जोड़ने पर, इन दोनों समीकरण अगर मैं जोड़ूँ तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक ना। तो देखिए अगर मैं इसको घटाने पर लिखता तो ये प्लस हो जाता और ये माइनस और ये माइनस, तो घटाने पर चिन्ह बदल गया तो ये +3 और +3 हो गया, तो 3 × 3 = 6 हो गया, कटा नहीं है, इसीलिए इसको केवल जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो +3v में अगर -3v तो घट गया तो 0 हो गया, इसलिए ऐसे कट गया। और इन दोनों को देखिए प्लस में है तो प्लस में जोड़ लेते हैं, तो 15 × 6 = 21 u बराबर 6 × 1 = 7, तो u बराबर 7/21, तो 7 × 7 = 21, तो इस प्रकार u बराबर 1/3 प्राप्त हो गया। अब u का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो इसको लिख देते हैं u का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। तो पहला समीकरण में इसमें रख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ रखते हैं देखिए 5u + v = 2 लिखा हुआ है, ठीक ना। तो अब रख देते हैं यहाँ पर
यू का मान 1/3, देखिए 1/3 प्लस वी बराबर 2, तो ये हो गया 5/3 प्लस वी बराबर 2, तो वी बराबर 2 माइनस 5/3, पक्षांतर कर दिया उसको, तो ये हो गया 3 × 6 माइनस 5, अब पूरे के 3, तो वी बराबर 1/3। इस प्रकार U और V का मान ज्ञात हो गया, अब इसमें रख देते हैं, तो लिखते हैं अब 1/x-1 बराबर यू, यू है एवं 1/y-2 बराबर V लिए हैं, तो U का मान कितना आया, 1/3 आया है, यहाँ लिखेंगे x-1 बराबर 1/3 और 1/y-2 बराबर v का मान 1/3 माने हैं आया है, तो अब तिरेक गुणा कर लेते हैं, देखिए दोनों 1/3 1/3 है, देखिए इन दोनों को उल्टा दीजिए तो ये जाएगा x-1 बराबर 3, तो जाएगा x बराबर 3+1, तो x के बराबर 4 प्राप्त हुआ, इसी प्रकार इनको भी उल्टा दीजिए तो ये जाएगा y-2 बराबर 3, तो y का मान इधर पक्षांतर कर देंगे -2 को तो +2 हो जाएगा, तो y बराबर 5, तो देखिए x और y का मान ज्ञात हो गया। अब पांचवा भाग देते हैं, तो देखिए पांचवा भाग में लिखा है 7x-2y/xy बराबर 5, और इस प्रकार एक समीकरण और लिखा है 8x, यहीं लिख लेते हैं, नीचे ही लिख लेते हैं, देखिए 8x+7y पूरे के बटे xy बराबर 15। तो देखिए इस xy को इन दोनों पदों में अलग अलग कर लेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं 7x/xy-2y/xy बराबर 5, इसका जब लघुत्तम लेंगे तो ये चीज़ वापस प्राप्त हो जाएगी, ठीक ना, हर बराबर है तो एक बार लिखकर 7x-2y लिखा जा सकता है। इसको देखिए हल करेंगे, x x कैंसिल हो गया तो ये हो गया 7/y माइनस ये y कैंसिल हो गया तो 2/x बराबर ये 5 प्राप्त हुआ, ठीक ना, और इसी प्रकार जब इसको हल करेंगे देखिए 8x/xy प्लस 7y/xy बराबर 15, देखिए x x कैंसिल ये y कैंसिल तो ये हो गया 8/y प्लस 7/x बराबर 15, तो देखिए ये और ये एक समीकरण प्राप्त हो गया दोनों। अब इसको रैखिक समीकरण युग में बदलना है, ठीक ना, तो इसको लिखे 1/y पहले है तो लिखते हैं माइनस 1/y बराबर यू एवं 1/x बराबर वी, तो इस प्रकार क्या समीकरण मिलेगा, यहाँ लिखते हैं देखिए 7u-2v बराबर 5 और ये मिला तो जगह 8u+7v बराबर 15, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब देखिए यू के गुणांक को अगर बराबर करें तो 7 है तो यहाँ 7 का गुणा करेंगे और ये 8 है तो समीकरण 1 में 8 का गुणा करेंगे, तो इस बार ये यू को गुणांक को बराबर कर लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितने का 8 का और इसमें 7 का, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 8 से एवं समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, ठीक ना, गुणा करेंगे तो देखिए 8 में करेंगे तो तीनों पदों में 8 का गुणा आएगा, तो 7 × 8 = 56 यू माइनस 8 × 16 भी बराबर 5 × 8 = 40, तो इस प्रकार समीकरण 3 प्राप्त हुआ और इसमें 7 × 8 = 56, 7 × 49 =
और 15 × 7 = 105, समीकरण ये 4 हो गया, ठीक ना। तो देखिए 56u आ गया, तो अगर इसको घटाएं दें, देखिए घटाने पर अब चिन्ह बदल जाएगा, ये तो चिन्ह बदलेगा, तो देखिए ये माइनस, तो 56u माइनस 56u तो कैंसिल, और ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया। अब देखिए माइनस माइनस है ना, तो माइनस 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 अंक जुड़ जाएंगे, तो देखिए 9, 6, 15 + 1 = 4, 5, 1, 6 वी बराबर। अब 105 में अगर 40 घटाएं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो देखिए ये आ गया 5 और ये हो गया 6, और ये 40 में 105 छोटी संख्या से बड़ी संख्या, तो ये माइनस प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा और वी बराबर 65/65, इस 65 को पक्षांतर कर दिए तो वी का मान 1 प्राप्त हुआ। इस v के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखते हैं v का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा, ठीक ना। तो यहाँ लिख लेते हैं 7u - 2v = 5, तो 7u - 2 × v का मान 1 रख लिया, ये हो गया 7u - 2 = 5, 7u = 5 + 2, ठीक है, पक्षांतर कर दिया, तो ये हो गया u = 7, मतलब u = 7/7, 7 × 7 = 1, तो u = 1 प्राप्त हुआ। इसका मतलब u और v दोनों का मान 1 ही प्राप्त हुआ। अब जिस जो माने थे इस पर इसमें मान रख देते हैं, तो लिखेंगे अब 1/y = u एवं 1/x = v, तो 1/y = u है, तो u कितना है 1, और 1/x = ये कितना है v है, तो इसका भी मान 1 ही आया है। तो इस प्रकार ये कितना आया, इसका तिरेक गुणा कर लेंगे तो y = 1 ही आएगा, इसका x = 1 ही आएगा। तो इस प्रकार x और y का मान ज्ञात हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, छठवां भाग में क्या है, देखिए 6x + 3y = 6xy और 2x + 4y = 5xy, ठीक ना। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसमें दोनों तरफ है ना, दाएं बाएं दोनों तरफ x y से भाग देंगे, देखिए इसमें कैसे करेंगे, 6x / 3y / xy = 6x / xy, ठीक ना। देखिए प्रत्येक पद में हमने x y से भाग कर दिया, देखिए यहाँ क्या बचा, ये x कट गया तो क्या 6/y आया, प्लस ये y कैंसिल हो गया तो 3/x आया, बराबर ये x इससे कटा, ये y इससे कटा, तो ये 6 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार ये हो जाएगा 2x/xy, 4y/xy और 5xy/xy, तो ये हो जाएगा x कट गया तो ये गया 2/y, y कट गया तो 4/x, x से कटा, y से कटा, तो ये आया 5। तो इस प्रकार ये समीकरण प्राप्त हो गए। अब इसमें क्या मानेंगे, 1/y = u और 1/x = v मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना 1/y = u एवं 1/x = v, तो देखिए क्या आ जाएगा समीकरण, देखिए ये आ जाएगा 6u + 3v = 6, समीकरण 1। इसी प्रकार ये हो जाएगा 2u + 4v = 5, समीकरण 2 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये दो समीकरण प्राप्त हो गए। अब हमको इसको u के गुणांक को अगर बराबर करना चाहें, तो यहाँ 2 है तो अगर मैं यहाँ 3 का गुणा कर दूँ तो 3 × 6, तो u
यू के गुणांक दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसी को हम लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण दो में तीन से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो देखिए तीन से गुणा कर देते हैं, पहला समीकरण ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको लिख लेते हैं 6u + 3v = 6, समीकरण एक। और तीन गुणा करेंगे तो 2 3 6u + 4 3 12v = 5 3 15, समीकरण एक दो, ये तीन हो गया और ये दो ही है, ठीक ना। अब इसको घटा लेते हैं, तो लिखते हैं घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस, 6u में 6u गया तो कट गया, 3 में से 12 गया, 3 - 12 तो कितना जाएगा -9v, और इसमें 6 में 15, 6 - 15, ठीक ना, 6 - 15 ये हो जाएगा -9, तो ये हो गया -9, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वी बराबर 9/9, 9 पक्षांतर कर दिया, 9 × 9 = 9, इस प्रकार वी बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब इस वी के मान को समीकरण एक में रख देंगे, तो लिखते हैं वी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो एक में रख देंगे, तो देखिए ये रहा समीकरण एक, इसको लिखते हैं 6u + 3v = 6, तो 6u + 3v का मान एक रख दीजिए, तो 6u + 3 = 3 = 6, 6u = 6 - 3, तो 6u = 6 - 3 = 3, तो u का मान 3/6 प्राप्त हुआ, तो 3 + 3 = 6, तो इस प्रकार u = 1/2 प्राप्त हुआ। अब u और v का मान रख देंगे, देखिए जो माना है हमने, तो यहाँ लिख लेते हैं हम माना, जो माना था लिखेंगे, अब 1/y = u और 1/x = v, 1/y = u का मान 1/2 है और v का मान 1 है, तो इसको हल करेंगे तो देखिए y = 2 आ गया और x = 1 आ गया।